वेलकम बैक टू द गाइस राइड विद किरण में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज और एक चीज का इंस्टॉलेशन होने वाला है। दोस्तों इन सब चीज का अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आपने देखी हो तो आप आई बटन में लिंक आ रही है, वहां पे आके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं प्रोस्पेक की तरफ से बॉटल माउंट, जो कुछ इस तरह का दिखता है आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप बाय करते हो तो बॉटल माउंट के साथ में खाली ये दो चीज आती है, एक क्लैंप आता है और ये बॉटल माउंट आता है। ये कुछ इस तरह से माउंट होता है, आपको बेस माउंट अलग से बाय करना पड़ता है, जो कुछ इस तरह का कहा था। ये बेस माउंट अलग से बाय करना पड़ता है, डिपेंड करता है कि आपके गाड़ी की साइज़ कितनी है, उसके ऊपर इसकी MRP डिपेंड करती है। सो दोस्तों मेरी गाड़ी की साइज़ 25 to 22 mm के आसपास है, तो मुझे 500 का पड़ा दोस्तों, और ये कुछ 450 का पड़ा। अगर आपको बाय करना था, इसी में लिंक दी गई है, आप जाके बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आइए हम इसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरह ऐसा इंस्टॉलेशन होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है कि मेरे पास KTM Duke 200 BSX मॉडल है, तो मैं इसके ऊपर इंस्टॉल करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे जगह है, तो मैं यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो, अभी आप मेरे साथ बने रहेगा लास्ट तक। तो भाई दोस्तों करते हैं इंस्टॉलेशन KTM Duke 200 BSX के ऊपर। सो गाइस इस तरह का अमाउंट आता है, देख सकते हो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है दोस्तों। सामने प्रोस्पेक्ट की ब्रांडिंग दी गई है, पीछे भी प्रोस्पेक्ट की ब्रांडिंग दी गई है, देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हम इसे अनस्क्रू कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसे लूज़ करके रखा था आप लोगों के लिए, क्योंकि समय आपका ज़्यादा ना जाए इसलिए। दोस्तों मैं पहले इसे निकाल लेता हूँ सब स्क्रू। तो इस तरह का माउंट होता है, इसमें ऑलरेडी ग्रिप प्रोवाइड की गई है प्रोस्पेक्ट ने, रबर ग्रिप, दो टाइप की रबर ग्रिप आती है। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारा बॉटल माउंट होगा, आप देख सकते हो, इसलिए थ्रेड दिया गया है। ये कुछ इस तरह से सामने आएगा दोस्तों, हम यहाँ पे माउंट करने वाले कुछ इस तरह से। माउंट करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो पट्टी है सीधी रहे। दोस्तों हम इसे इसमें जो टूल किट यूज़ कर रहे हैं वो टापे की तरफ से 46 pieces, जो देख सकते हो, जो हर आइटम यूज़ करते। दोस्तों हम इसे पहले टाइट कर लेंगे एक साइड से, जैसे कि आप सबको पता है इसे टर्न बाय टर्न टाइट किया जाता है। सो गाइस टाइट हो चुका है पूरी तरह से, देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे टर्न बाय टर्न टाइट करना है। अगर टर्न बाय टर्न टाइट करोगे तो ही ये जाके फिक्स होगा, नहीं तो फिर ये फिक्स नहीं हो पाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा। तो दोस्तों मेक श्योर कि टर्न बाय टर्न इसको टाइट करना है। तो दोस्तों इसके बाद में कुछ ये वाली क्लिप आती है, तो ये इसके ऊपर माउंट होगी इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर थ्रेड दिए हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया इस थ्रेड में ये मैच होगा होल। और दूसरे एक बात है दोस्तों, सब में यहाँ पे आपको LNK सेट मिलता है, हर एक के अलग अलग LNK है जो प्रोस्पेक्ट प्रोवाइड करता है हर एक प्रोडक्ट के साथ में। दोस्तों फुल तरह पूरी तरह टाइट हो चुका है, अभी हम बॉटल माउंट करेंगे। इसमें दोस्तों दो एडजस्टमेंट प्रोवाइड किए गए, आप चाहिए तो यहाँ से माउंट कर सकते हो, ऐसे यहाँ से माउंट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कुछ इस तरह माउंट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ऊपर आ जावे और नीचे टच ना नहीं हो इसके कारण। तो दोस्तों मैं कुछ इस तरह माउंट करूँगा।
तो इसके अंदर दोस्तों स्क्रू और वाइसर आता है साथ में। तो दोस्तों इसे भी हमें टर्नमाइट में टाइट करना है। दोस्तों ये फुल फिट हो चुका है, दोस्तों देख सकते हो आप। सो गाइस इसके बारे में बॉटल बंद कर दिखाऊंगा आपको दोस्तों। तो ये है दोस्तों छोटा बॉटल जो ये काफ़ी इजीली माउंट हो जाता है, देख सकते हो दोस्तों। और इसमें मैंने आपको देखा ये मैकेनिज्म जो मैं नीचे पुश कर रहा था ऊपर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया इसके कारण। तो ये जो ये रही दोस्तों छोटी बॉटल, और मैं आपको अब बड़ी बॉटल इसमें बिठा के दिखाऊंगा किस तरह फिट होती है। दोस्तों बड़ी बॉटल भी काफ़ी इजीली फिट हो जाती है दोस्तों, ये देख सकते हो। इसमें पानी इसलिए भी थोड़ा ऊपर नहीं आया दोस्तों, क्योंकि खाली बॉटल थी इसलिए प्रेस करने पे ऊपर आ रही थी, ये इसमें पानी भरा हुआ इसलिए ऊपर नहीं आ रही। तो ये देख सकते हो दोस्तों काफ़ी स्टडी मटेरियल दोस्तों, हिल नहीं रहा है। और आप इजीली कुछ इस तरह बॉटल निकाल सकते हो ऐसे की, अगर अगर मैं कहीं राइड पर जाता हूँ कुछ, अगर मैं इस तरह यहाँ पर सीट पर बैठता हूँ, इस तरह मैं बैठता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पैर के यहाँ पे भी काफ़ी गैप है, तो टच होने का कुछ सवाल ही नहीं आता। और मैं काफ़ी इजीली इस तरह बॉटल निकल के इस तरह से पानी पी गया, इस तरह से काफ़ी इजीली रख सकता दोस्तों। तो काफ़ी इजी वाटर माउंट है दोस्तों, आप देख सकते हो। सो दोस्तों ये था वाटर बॉटल माउंट। सो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा दोस्तों। मैंने प्रोस्पेक्ट की और भी काफ़ी सारी चीज़ें अनबॉक्सिंग रिव्यू और इंस्टॉलेशन किया है, जैसे कि हेलमेट लॉक हो गया, इजी क्लच हो गया, इजी क्रूज हो गया, बेस माउंट हो गए फोर, ऑक्सिलरी लाइट माउंट हो गए। तो इसके वजह से अब बहुत सारी चीज़ें मैंने अनबॉक्सिंग और उसका इंस्टॉलेशन मैंने किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप आई बटन में लिंक करिए, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।